हेलो फिरोशी, वेलकम बैक टू माय चैनल फिरोशी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए जापनीज बीएल ड्रामा माय स्ट्रॉबेरी फिल्म का एपिसोड 6 लेकर आई हूँ। ओके, सो आप में से बहुत लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि ये जो ड्रामा है ये बीएल है या फिर स्ट्रेट है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, बट अगर कहा गया है कि ये बीएल ड्रामा है तो हमें उस चीज़ पर भरोसा रखना चाहिए। लेट्स सी स्टोरी कैसे आगे अनफोल्ड होते हैं। मैं भी आप लोगों की जैसी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तो एक साथ मिलकर इस स्टोरी को देखते हैं कि आगे चल के इसकी कहानी क्या निकल कर आती है। सो विदाउट फर्दर अडो, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिनामी एक लेटर पढ़ती है जो उसने अपने पहले प्यार को लिखा था, जिसमें उसने वीडियो के बारे में बात करते हुए लिखा होता है कि वो अपने हाथों से इस फिल्म को डिस्पोज नहीं कर सकती है, इसलिए वो उसे लौटा रही है। उसे इस बात की बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि उस समय उसने उस वीडियो में उसे कैसे कन्फाइड किया था। उस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने उसे अवॉइड किया। पर अब जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पल उसके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पल था। वो अभी भी उसका पहला प्यार है और वो हमेशा उसका पहला प्यार रहेगा, ये चीज़ कभी नहीं बदल सकती है। मिनामी वो लेटर वापस रखती है और क्लास में आती है, जहाँ वो देखती है कि हिकारू रियो से उसके बारे में ही बात कर रहा है और चीका टेबल पर सर झुकाए बैठी हुई है। चीका अचानक उठती और क्लास के बाहर आ जाती है। मिनामी चीका के बिना कहे ही समझ जाती है कि चीका की उदासी के पीछे का कारण रियू है। वो चीका का हाथ पकड़कर कहती है कि चीका सच में बहुत क्यूट है। चीका को ये बात बहुत अजीब लगती है कि मिनामी हर बार उसे कैसे पढ़ लेती है, क्या उसे पढ़ना इतना आसान है। मिनामी हाँ कहती और चीका को गले लगा लेती। चीका बेचारी बहुत रोने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद रियो स्टोर रूम में सभी का वेट कर रहा होता। सबसे पहले मिनामी वहाँ आती है। रियो का चेहरा देखकर मिनामी कहती है कि कहीं उसे ये तो नहीं लगा कि चीका आ रही है, जिस पर रियो कहता है कि ऐसा नहीं है, पर अगर कोई टीचर आ जाए तो उनके लिए अच्छा नहीं होता। मिनामी भी समझ जाती है कि अगर किसी भी टीचर को पता चल गया कि वो इस जगह को अपने लिए यूज कर रहे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। आगे रियो मिनामी से कल के बारे में पूछता है, जब उन लोगों ने उसे और हिकारू को बीच पर अकेला छोड़ दिया था। मिनामी पहले तो नहीं समझ पाती है, पर उसके बाद वो कहती है कि उसे कल मज़ा आया था। मिनामी भी रियो से पूछती है कि क्या कल उसने चीका को रिजेक्ट किया है। रियो को लगता है कि शायद चीका ने मिनामी को ये बात बताई है, पर मिनामी कहती है कि वो ये बात चीका के कहे बिना भी बता सकती है। रियू कहता है कि उसने कभी भी चीका के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं, उसके लिए वो सब बहुत अचानक हो गया था, इसलिए वो बहुत सरप्राइज हो गया था। उसे लगता है कि वो दूसरों के फीलिंग्स को समझ नहीं पाता है। ये सुनकर मिनामी कहती है कि रियू सबसे ज़्यादा हिकारू के फीलिंग्स की तरह इनसेंसिटिव है। वो अपने फीलिंग्स में इतना खोया हुआ था कि उसने चीका की उसके लिए फीलिंग्स कभी नोटिस नहीं की और उसे हर्ट कर बैठा। मिनामी के लिए रियो को भी पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, उसके हिसाब से सभी लोग इतने ट्रांसपेरेंट है कि सब क्या सोचते हैं वो आसानी से समझ जाती है। रियो को डर होता है कि क्या अब सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि उसे सभी के साथ रहना अच्छा लगता है। मिनामी रियो के पास आकर बैठती है और उसे समझा आती है कि अगर रियो इसी तरह रहना चाहता है तो उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी रिश्ते को सिर्फ इसलिए बर्बाद करना क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है गलत होगा। रियो मिनामी से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को पसंद किया है या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है। मिनामी बताती है कि उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, पर उसने किसी को पसंद ज़रूर किया। रियो इस पर कुछ कहना चाह रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कह पाता। उसके बजाय वो मिनामी को बताता है कि वो शायद खुद के बारे में सोचता है, खुद को वैल्यू देता है, इसलिए वो सामने वाले को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता नहीं पाता।
मिनामी स्माइल करते हुए अपना हाथ उठाती है और कहती है कि वो भी ऐसा ही फील करती है। रियो के लिए भी ये काफ़ी सरप्राइजिंग होता है कि वो मिनामी से रोमांस के बारे में बातें कर पा रहा है। मिनामी को लगता है कि ये सब उसे शूट करता है। वो और रियो दोनों एक दूसरे के लिए सेफ जोन है। दोनों हंसकर बातें कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त चीका और हिकारू भी वहाँ आ जाते हैं। दोनों को इस तरह देख कर हिकारू को थोड़ी सी जलन होने लगती है। वो उनसे पूछता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे। मिनामी झूठ बोलते हैं कि वो लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे। माहौल को लाइट करने के लिए चीका हंसकर पूछती है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, पर हिकारू को भी इस बारे में पता नहीं होता। उसके बाद वो लोग वीडियो के बारे में बात करने लगते हैं जिसके लिए सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हिकारू सबको बताता है कि जिस अकाउंट ने वीडियो वाली लड़की की नई वीडियो पोस्ट की थी उसी ने फिर से एक नई वीडियो पोस्ट करी है। ये वीडियो उन लोगों में से किसी ने अभी तक नहीं देखी हुई होती है। चीका को लगता है कि उनके अलावा किसी और के पास भी ये फिल्म आ गई होगी और वो लोग भी शायद उस लड़की को ढूंढ रहे होंगे। मीटिंग खत्म करके सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। मिनामी रियू से उसका रिकॉर्डर देखने को मांगती है जिससे वो अपने गाने सुना करता था। मिनामी को हमेशा से ये देखने का मन करता था। रियू मिनामी से पूछता है कि क्या उसे भी म्यूजिक सुनना पसंद है। उन दोनों को इस तरह देख कर हिकारू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो मिनामी को उसके घर तक ड्रॉप करने को कहता है ताकि दोनों को साथ में कुछ समय मिल पाए। मिनामी मना करने की कोशिश करती है क्योंकि हिकारू का घर उसके घर के बिल्कुल अपोजिट रास्ते में पड़ता है। फिर भी हिकारू जिद करने लगता है और रास्ते में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने को भी कहता है, जो मिनामी को कब से खाने का मन था। मिनामी चीका की तरफ देखने लगती है। चीका बिना कहे ही समझ जाती है कि मिनामी को उसकी चिंता हो रही है कि वो और रियो अकेले साथ में कैसे घर जाएंगे। चीका स्माइल करती है और उसे कल मिलने को बोलती है। मिनामी को जब यकीन हो जाता है कि चीका ठीक है तो वो हिकारू के साथ चली जाती है। दोनों कैफे में आते हैं। हिकारू उनके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऑर्डर करता है। मिनामी को चाय भी ऑर्डर करनी होती है पर तब तक वेट्रेस जा चुकी होती है। हिकारू उसके लिए ऑर्डर करने वाला होता है कि मिनामी मना कर देती है। हिकारू को लगता है कि शायद वो उससे गुस्सा हो गई, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या उससे कोई गलती हुई है। उल्टा मिनामी हिकारू से पूछती है कि क्या उसे चीका और रियू की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हिकारू को समझ ही नहीं आता है कि मिनामी क्या कहना चाह रही है। मिनामी भी उसे कुछ नहीं समझाती है। दूसरी तरफ रियू चीका से कहता है कि उसे खुशी हुई कि चीका स्टोर रूम आई, उसे लगा था कि शायद वो अब दोबारा नहीं आएगी। चीका स्माइल करने लगती है क्योंकि उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले वो टेंशन ले रही थी क्योंकि रियो ने स्टोर रूम आने से मना कर दिया था, पर अब उसका उल्टा हो रहा है। चीका आगे बात करने की कोशिश करती है पर उनके बीच उसे बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। उनके बीच कल जो भी हुआ था, चीका चाहती थी कि रियो उस चीज़ को भूल जाए और उनके बीच फिर से दोस्ती हो जाए। रियू कहता है कि उनकी दोस्ती खत्म ही कब हुई थी और कल वाली बात को भूलना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ऐसा है तो चीका उसे ये बात याद रखने को बोल देती है, बस वो लोग फिर से पहले की ही तरह दोस्त बन जाए और नॉर्मली बर्ताव करें। रियू मान जाता है और चीका को अब से उसे इग्नोर नहीं करने को कहता है। इसी तरह बातें करते हुए लोग घर जाने लगते हैं। चीका खुश होती है कि सब कुछ पहले की तरह हो गया है। इधर हिकारू और मिनामी का ऑर्डर भी आ जाता है। हिकारू आइसक्रीम खाना भी शुरू कर देता है पर मिनामी उसे बस देखते रहती है। मिनामी को खाता हुआ ना देखकर हिकारू पूछता है कि मिनामी को उसके और रियो में से किसके साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। स्टोर रूम में भी वो उसके साथ बहुत मज़े कर रही थी। मिनामी कहती है कि उसे रियो और हिकारू दोनों के साथ मज़ा आता और वैसे भी दोस्तों के बीच रैंक नहीं होता है। हिकारू का ध्यान बस इसी बात पर अटक जाता है कि मिनामी ने उसे दोस्त कहा, इसलिए वो मिनामी को बता देता है कि वो उसे सिर्फ दोस्त की तरह नहीं देखता है। हिकारू को जब एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में क्या बोल दिया है तो वो मिनामी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसका कहने का मतलब वो नहीं था। वो जानती है कि रियो कितना अच्छा लड़का है, हैंडसम भी और काइंड भी है। अगर वो लड़की होता तो उसे भी रियो से प्यार हो जाता। मिनामी समझ जाती है कि
हिकारू को लगता है कि शायद वो रियो से प्यार करती, इसलिए वो हिकारू को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हिकारू अपने बारे में भी मिनामी से पूछने वाला होता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। मिनामी हिकारू के मना करने के बावजूद भी अपने पैसे देकर घर जाने लगती है। हिकारू भी उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, पर तब तक मिनामी जा चुकी होती है। हिकारू बेचारा उदास होकर घर वापस जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद हिकारू अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि उनके ग्रुप चैट में सारे लोगों का मैसेज आया। मिनामी चीका से कहती है कि वो रियू के साथ शॉपिंग पर आई है, उसे कुछ चाहिए कि नहीं, पर चीका मना कर देती है। मैसेज पढ़कर हिकारू और उदास हो जाता है, इसलिए वो रियू को कॉल करके बात करने के लिए बुलाता है। थोड़ी देर में रात जाती है। रियो पार्क में हिकारू से मिलने आता है और उसे इंतजार कराने के लिए माफ़ी मांगता है। रियो हिकारू से पूछता है कि क्या हुआ। हिकारू कहता है कि वो सोच रहा है कि किसी को पसंद करने का क्या मतलब होता है। वो सच में मिनामी को पसंद करता है, उसे उसके साथ रहना भी अच्छा लगता है। रियो पूछता है कि क्या उसने मिनामी को अपने दिल की बात बताई। हिकारू बताता है कि उसने कहा था, पर मिनामी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसे लगा था कि अगर मिनामी उसके साथ सिर्फ दोस्ती रखना चाहती है तो उनके बीच पहले जो भी हुआ था वो भूल जाएगा। वो उसे कॉल करके यही बताना चाह रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो तो अपने घर तक नहीं जा पा रहा है। हिकारू को इस बात का एहसास है कि वो मिनामी को हर्ट नहीं करना चाहता, पर वो सेल्फिश हो रहा है। हिकारू की बात सुनकर रियू को अब समझ में आता है कि किसी को प्यार करना क्या होता है। हिकारू रियू से पूछता है कि क्या वो मिनामी को पसंद करता है, जिस पर रियो कहता है कि वो मिनामी को कैसे पसंद करता है जब रियो यहाँ है। ये सुनकर हिकारू शॉक्ड हो जाता है और रियो को ही देखने लगता है। रियो तुरंत कहता है कि जब उसे पता है कि हिकारू मिनामी को पसंद करता है तो वो मिनामी को कैसे पसंद कर सकता है। हिकारू को एक पल के लिए ये लगने लगा था कि शायद रियो उसे पसंद करता है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। रियो जब सच में हाँ में सर हिलाता है तो हिकारू एक के लिए चुप हो जाता है कि तभी रियो कहता है कि वो उसे दोस्त की तरह पसंद करता है। हिकारू रियो को इस तरह का मजाक करने के लिए मना करता है, क्योंकि एक पल के लिए तो वो सच में डर गया था। वो जोर जोर से रियो को झूला झुलाने लगता है। रियो जो अब तक हंस रहा था एकदम से शांत हो जाता है और सोचता है कि यही वजह है कि वो हिकारू को कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाया। और इस तरह एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।